रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड हब चैनल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि हमारे चैनल की न्यू वीडियो नोटिफिकेशन। हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आप किसी नंबर को 999999 से डिवाइड करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, देखिएगा समझिएगा। इससे पहले मैं दो वीडियो आपको दे चुका हूँ जिसमें आपको 9 से और 99 से डिवाइड करना मैंने आपको सिखाया था। वही कंसेप्ट आपका यहाँ पे भी यूज होने वाला। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा, एक बार देख लीजिएगा, आपको और चीजें क्लियर हो जाएंगी। तीन डिजिट का नंबर है जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं, तो इसलिए इस पूरे नंबर की लास्ट 3 डिजिट को आप अलग कर लेते हैं, बाकी का जो नंबर है वो अलग हो जाता है। और बाकी का जो नंबर है उसके अंदर जो डिजिट्स होनी चाहिए वो 3 के मल्टीपल पे होनी चाहिए, या 3 हो या 6 हो या 9 हो। अगर नहीं होंगी तो हम बना लेंगे, उसके आगे 0 ऐड कर लेंगे। अभी यहाँ पे आपने देखा 6 डिजिट है, आप पहली 3 डिजिट को एज इट इज उतार लीजिए, 2, 3, 4, और इसे अगली 3 डिजिट में ऐड कर दीजिए। तो 234 और ये 332 अगर ऐड हो जाता है तो दोस्तों हो जाता है आपका 566, और इस 566 को अगली 3 डिजिट में ऐड कर दीजिए तो ये रिजल्ट आपका हो जाएगा 999। और इस लास्ट रिजल्ट को आपको बस इस लास्ट रिजल्ट को ही डिवाइड करने की आपको जरूरत होती है, फाइनल रिजल्ट विल बी 1। और ये जो रिजल्ट आपको मिला है इसमें इस रिजल्ट को आप ऐड करते हो तो आपको अपने इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है, आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाता है 3, 4, 5, 6, 7। दोस्तों अगर इस नंबर को आप 999 से डिवाइड कर रहे हैं तो आपका आंसर है 2, 3, 4, 5, 6, 7। देखिए दोस्तों, इस एग्जांपल में आपको अगर इतने बड़े नंबर को 999 से डिवाइड करना, वैसे तो दोस्तों ये नियरेस्ट 1000 के है तो आप ये कर सकते हैं कि लास्ट 3 डिजिट छोड़ करके डेसिमल लगा सकते हैं, लेकिन ये इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है। आप इसको 999 से डिवाइड करके देखिए दोस्तों, ये नहीं आएगा, इसके नियरेस्ट भी नहीं होगा, आप बहुत दूर होंगे। तो इस तरीके से ना करें। करना क्या है, 3 डिजिट का नंबर है तो लास्ट 3 डिजिट इस नंबर की आप अलग कर लेंगे, बाकी की जो डिजिट है उन्हें अलग कर लेंगे। और ये जो बाकी की डिजिट है ये 3 के मल्टीपल में होनी चाहिए। मैंने देखा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 डिजिट है तो इसे मैं 9 में कन्वर्ट कर लेता हूँ, 0 ऐड कर लेता हूँ। तो पहली 3 डिजिट है 091, तो आपका पहला पार्ट हो जाएगा 091। इसे आप ऐड कर लीजिए 253 में, और इसे ऐड करने पर दोस्तों आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो होगा 344, 91 और 253 हो जाएगा 344। और 344 को मैं अगली 3 डिजिट में ऐड कर दूंगा 402 में। 344 को ऐड करने पर आपका हो जाएगा नंबर 746। 746 भी मैंने एज इट इज रखा, अगर डिजिट 4 होती तो एक कैरी भी हो जाती। ये कंसेप्ट आप प्रीवियस वीडियो में देख सकते हो। और ये 746 फाइनली मेरे को 831 में ऐड करना है, पर वो यहाँ नहीं रखना है। ये जो आपका आंसर बन रहा है, आप 746 और 831 अगर ऐड करते हैं तो ये आपका हो जाएगा 6 और 1 7, 4 और 3 7, 8 और 7 15। और फाइनली ये अपने पास ये जो नंबर लास्ट में आता है उसे आप 999 से डिवाइड करते हो। अब यहाँ पे आप ये काम कर सकते हो कि नियरेस्ट 1000 है तो ये 1000 से अगर मैं इसे डिवाइड कर रहा हूं तो अप्रोक्सीमेटली 1.577 ये बनेगा, 1.5 आपका बनेगा। उस रिजल्ट को आप यहाँ पे 1.57 को आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ऐसा करने पर आपको जो रिजल्ट मिलेगा वही आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। देखिए अब आपका जो आंसर आ रहा है इसमें और इसमें कितना फर्क है दोस्तों, आपके क्वेश्चन का आंसर यही है। आप इसे कैलकुलेटर पर अपने खुद से भी इसे आप चेक कर सकते हैं, बहुत आसान है दोस्तों। इसे आप ये भी कह सकते हो कि ये जो रिजल्ट आपका बनता है ये पार्ट क्या है, ये आपका क्वेश्चन पार्ट है, भागफल है। और ये जो पार्ट होता है 1577 ये आपका रिमाइंडर होता है, ये रिमाइंडर होता है, ठीक है ना दोस्तों। और बाकी का ये जो पार्ट होता है ये क्वेश्चन होता है। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो कि अगर आपको नहीं डेसिमल में आंसर निकालना है। होप ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड हब चैनल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि हमारे चैनल की न्यू वीडियो नोटिफिकेशन।